हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम जो किचन टॉप और जो है ब्लैक कलर का है जो इसको सेट किए हैं, जो दिन वीडियो में दिखा रहे थे, देखो हमने किचन टॉप सेट कर लिया। अब इस पे जो है टाइल्स लगाने जा रहे हैं। अब इसकी मोल्डिंग नहीं बनाए हुए, मोल्डिंग बनाएंगे दोस्तों। और जो है बहुत ही क्या मतलब गजब लग रहा है दोस्तों। आप लोग देख के कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है दोस्तों। अब दीवार की टाइल्स हम लगाने वाले हैं, टाइल्स भिगा दिए हैं, जो कि टाइल्स लगाने के बाद जो है फर्श लगाना चालू करेंगे दोस्तों। आपको बता रहे हैं कि दीवार की टाइल्स जो है 2x1 की टाइल्स है जो अभी हम लगाएंगे। आप लोग देखना इस वीडियो में, कोई टाइल्स वेस्टेज नहीं जाएगी। और कैसे हम सेट करेंगे, उसकी काबिलियत क्या है, कैसे सेट किया जाता है, कैसे लगाया जाता है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा दोस्तों। एक ही कलर है सर, लाइट भी है, लाइट भी है कि एक ही कलर है? हाँ? सादा और ए? हाँ ले आइए, मसाला ले आइए और गत्ता ले आओ। देख लीजिए दोस्तों, जो है ये किचन की टाइल्स है, लाइट लाइट है इसमें, जिसको हाईलाइटर बोलते हैं, और प्लेन टाइल्स ये आ गया है दोस्तों, लगाने जा रहे हैं। किचन टॉप जो है सही तरीके से कैसे लगाया जाता है और कैसे इसकी लेवलिंग की जाती है, कैसे से सेट किया जाता है, इसकी शाइनिंग कैसे आएगी और इसे कैसे लगाएं जो इसकी ज्वाइंट जो है आपको नजर ना आए, ज्वाइंट इसकी मिलती जाए, जो कि आज कल टाइल्स जो आती हैं ज्वाइंट फ्री रहती हैं दोस्तों, लेकिन उसकी क्वालिटी भी रहती है। उसमें जोड़ में जो है सीमेंट अगर चला गया या कोई बारीक बालू चला गया, फिर भी जोड़ मोटा हो जाता है। थोड़ा ध्यान दे के लगाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको दोस्तों दिखाएंगे कि कैसे लगाया जाता है, कैसे सेट किया जाता है दोस्तों। फिर आप लोग ध्यान देना दोस्तों। दोनों कर नहीं लो, कर नहीं लो।